दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है या हिंदुस्तान के साथ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही ये दावा करते हैं कि चीन हमेशा से इनके साथ ही खड़ा रहा है, जबकि हकीकतन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। इस वीडियो में हम आज दोनों ही कंट्रीज की दलीलों को आपके सामने रख देंगे। इन दलीलों को सुनने के बाद आपने बताना है कि असल में चीन किसके साथ खड़ा है। चीन एक साथ दोनों के साथ खड़ा हो ही नहीं सकता। ये दोनों कंट्रीज इब्तिदा से ही एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने की पॉलिसी पर अमल करते रहे हैं। दुनिया के हर महाज पर ये दोनों हमसाया कंट्री हमेशा से आमने सामने एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी होती हैं। हिंदुस्तान का ये दावा है कि चीन हमेशा हिंदुस्तान के हक में खड़ा रहा है और अपनी इस बात की दलील में वो 1972 का जंग का हवाला देते है। 1972 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बड़ी जंग छिड़ चुकी थी। इस वक्त दोनों ही कंट्रीज की ये कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे ममालिक को अपने हक में करे और इसी जंग के नतीजे में पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हुआ और बांग्लादेश बना। ये पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन वाकात में से एक है। इस जंग के दौरान पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा, क्योंकि जब चाइना क्राइसिस में था तो पाकिस्तान ने चीन की भरपूर मदद की थी और पाकिस्तान चीन को अपना करीबी दोस्त समझता था। मगर इसके बावजूद चाइना पाकिस्तान की मदद करने नहीं आया और पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट गया। इस वक्त चीन ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का ही साथ नहीं दिया था। इसके अलावा हिंदुस्तान ये दलील भी देता है कि चाइना की इकोनॉमी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टिकी है और इस सूरत में जब चाइना अपनी ट्रेड को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने की कोशिश कर रहा है तो हिंदुस्तान जैसे बड़ी आलमी मंडी से दुश्मनी करके अपनी ट्रेड को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। और इस सिलसिले में वन बेल्ट वन रोड के चाइनीज इनिशिएटिव का एक बड़ा प्रोजेक्ट बांग्लादेश और हिंदुस्तान से भी गुजरता है और चाइना ने यह ख्वाहिश का इजहार किया है कि हिंदुस्तान भी सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुखालिफत करने के बजाय इसका हिस्सा बने और इससे फायदा उठाए। और पाकिस्तान के सीपेक के चाइनीज स्टेक्स के जवाब में हिंदुस्तान का कहना है कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की इन्वेस्टमेंट चाइना की इस इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में बहुत छोटी है जो चाइना ईरान में करने जा रहा है। चीन ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि वो ईरान में 280 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो अब तक की चाइना की आउट ऑफ चाइना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और ये इन्वेस्टमेंट सीपेक से कई गुना ज्यादा है। और ईरान की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि वो हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। इस चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बाद ईरान में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान के चाबहार पोर्ट पर, जबकि इसके बरअक्स पाकिस्तान और ईरान ने भी गैस पाइपलाइन का मंसूबा शुरू किया था। ईरान ने तो अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया मगर पाकिस्तान ने अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया था, जिसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान को ये धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने इस मंसूबे को मुकम्मल करने की कोशिश नहीं की तो ईरान पाकिस्तान को आलमी अदालत में खड़ा करेगा और पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर पाकिस्तान की मुसलसल यकीन दहानी के बाद ईरान ने आलमी अदालत से रुजू नहीं किया और पाकिस्तान को मजीद वक्त दिया है इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। इन सब हालात को देखकर लगता है अगर चीन को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो हिंदुस्तान को चुनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के करीबी दोस्त ईरान में चाइना की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है और हिंदुस्तान की मार्केट भी बड़ी है वगैरह वगैरह। ये तो वो दलीलें थी जो हिंदुस्तान पेश करता है। अब आते हैं पाकिस्तान के मौकूफ के बारे में। पाकिस्तान का कहना है कि 1972 की जंग में चीन ने पाकिस्तान की खुलकर मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल हो रहा था। जैसा कि हमने पहले बताया है, चाइना हमेशा इक्तिसादी बर्तरी की पॉलिसी को सामने रखकर चलता है। अगर हम चाइना की इस पॉलिसी को देख लें तो पाकिस्तान की इस बात को समझने में आसानी होगी। अब तक चाइना का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रूट है वो हिंदुस्तान के कंट्रोल वाले रूट से गुजरता है। शायद 1972 में चीन को ये महसूस हुआ हो कि अगर इस जंग में इसने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया तो हिंदुस्तान चीन की तमाम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रास्ता बंद कर देगा और चाइना इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और चाइनीज इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए चीन ने 1972 में हिंदुस्तान के खिलाफ जाने का फैसला नहीं लिया। मगर पाकिस्तान का कहना है कि अब हालात सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से
बदल चुके हैं। अब चाइना अगर चाहे तो हिंदुस्तान को क्रॉस किए बगैर सीपेक के जरिए अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जारी रख सकता है और हिंदुस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ग्वादर पोर्ट के जरिए कंट्रोल कर सकता है। ग्वादर पोर्ट की वजह से ही ईरान को मजबूर कर सकता है कि वो हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि ये फार्मूला पाकिस्तान और चीन ने रशिया पर आजमा चुके हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का पक्का दोस्त समझा जाने वाला रशिया आज पाकिस्तान और चाइना के सीपेक मंसूबे का हिस्सा बन चुका है और हिंदुस्तान से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इसके अलावा ये दलील भी पेश करता है कि चीन हमेशा से जंग के हक में नहीं रहा है, मगर फिर भी हिंदुस्तान के साथ कई दफा हालात कशीदा हो चुके हैं और कश्मीर के इशू पर चीन ने खुलकर हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में हर फोरम पर बात की है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में चीन पर कड़ी तनकीद की जा रही है और खुलकर चीन की पॉलिसियों की मुखालिफत की जा रही है और हिंदुस्तान चीन के वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे के जवाब के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की मदद से इसी तर्ज का ही एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे को शुरू करने की बात कर रहा है। इन तमाम हालात को देखकर अगर सोचा जाए तो चाइना जहां एक तरफ पाकिस्तान को महफूज और मुस्तहकम करने की बात कर रहा है, वहां दूसरी तरफ हिंदुस्तान जैसी बड़ी आलमी मार्केट से भी मामला ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर को लेकर चीन का तनाजा चल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर इश्यूज थे, मगर पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर इश्यूज को बहुत पहले ही चीन के साथ सेटल कर दिया है और पाकिस्तान का चीन का अपने साथ होने पर इसलिए भी यकीन है क्योंकि पाकिस्तान का मानना है हिंदुस्तान में आने वाले चंद सालों में इंतजार फैलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अकलियतों पर पुरतशद्दुद वाकयात में तेजी आ रही है, जिसकी एक वजह हिंदुस्तान की पॉलिसियां हैं। इसकी मिसाल कश्मीर ले लीजिए, कश्मीर में अब हर फर्द हिंदुस्तान से बगावत करने की बात कर रहा है। इसी तरह आसाम में भी तकरीबन 25 लाख मुसलमानों से शहरियत छीन ली गई है और खालिस्तान तहरीक वाले भी पहले से ज्यादा मुतहरिक हो चुके हैं और इसी तरह के कई स्टेट्स हैं जो बस मौके की तलाश में हैं। जब हिंदुस्तान में इंतजार फैलेगा तो वहाँ की मार्केट खुद ब खुद कोई मानी नहीं रखेगी, जिसकी वजह से तमाम कंट्रीज अपनी पॉलिसी चेंज करने में ज्यादा देर नहीं करेंगे और पहले बहुत सारे मुल्कों के साथ ऐसा होता रहा है। मैंने दोनों कंट्रीज की दलीलें आपके सामने रख दी हैं, बाकी आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि असल में चाइना किसके साथ खड़ा है, हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ। आज तक के लिए इतना ही काफी है, कल एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।